शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माता रानी की। शिबू ले प्रसाद ले। अरे दुल्हन आजा, तू भी प्रसाद ले। जी का प्रसाद। क्या बात है अम्मा, आज कुछ खास है क्या? आज से शिबू ने कैंटीन की नौकरी दोबारा शुरू कर दी है। कैंटीन की नौकरी? क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अपने दोस्त को बधाई नहीं देंगे आप? अब बिल्कुल बिल्कुल देंगे। अच्छा अम्मा चलते हैं। शवनी हम भी कॉलेज जा रहे हैं, आप कहे तो हम छोड़ दें आपको। बिल्कुल नहीं, वैसे भी इस हालत में हमें बाइक पे बैठना मना है, और वैसे भी आपको गड्ढे वड्ढे तो दिखाई देते नहीं है। बात तो सही है, देवी माँ करे और तुम दोनों ऐसे ही आराम से रहो बिना क्लेश के। चलिए आप पहुंचिए, हम तो बाइक से जाएंगे, यूं ही पहुंच जाएंगे। अच्छा अम्मा चलते हैं। सुखी रहे। अरे स्वीटी, ये तो स्वीटी जैसी लग रही है, जैसे शॉल में। स्वीटी। हाँ स्वीटी बोल। मम्मी उसने हमको देख लिया, लेकिन हमको नहीं लगता कि उसे शक हुआ है कि हम जानबूझकर कर रहे हैं। पर मम्मी पीछा भी तो नहीं कर रही है, अब क्या करें? आप ही बताओ। आएगी आएगी, बचपन से जानते हैं उसे। लेकिन तुम कुछ गुड़ गोबर मत कर बैठना, आगे का काम बिल्कुल ठीक से करना, समझी? ठीक है चलो रखते हैं। स्वीटी का फोन भी बंद है, देखते हैं। स्वीटी डॉक्टर के पास छिप कर क्यों जा रही है? डॉक्टर पता है ना सारा प्लान क्या है? हाँ हाँ हमें सब कुछ पता है, आपकी मम्मी ने हमें सब कुछ बता दिया था। दीदी जैसे ही दरवाजे पे आएगी आप बस शुरू हो जाना। ठीक है चलिए आप फटाफट लेट जाइए। चलिए पर, अब वो यहाँ से एक लड़की गई थी, शॉल पहना था उसने, कहाँ गई देखा क्या? आगे गई। थैंक यू सो मच। आप बच्चा क्यों गिराना चाहते हो? बस हम नहीं चाहते, हमको बच्चा गिराना है। बच्चा गिराना है तो आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, और लिखिए कि आप अपनी मर्जी से ये कर रही हैं। बच्चा रखना ना रखना ये आपका फैसला है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे एक बार सोच लो। अब
हमने सोच लिया है, हमें नहीं चाहिए ये बच्चा, हमें ये बच्चा गिराना है। स्वीटी, ये क्या कर रही हो तुम? बच्चा क्यों गिराना चाहती हो तुम स्वीटी? क्या है ये सब, क्या हुआ है? दीदी तुम जाओ यहाँ से। नहीं, पहले तुम हमें बताओ क्या हुआ है स्वीटी? तुम इतना बड़ा फैसला, कोई परेशानी है? डर गई हो? कुछ हुआ है? शिवांश ने कुछ कहा है तुम्हें? बोलो स्वीटी। और कि बच्चा गिराने के बाद कि शिवांश को पता है या नहीं? डॉक्टर आपने तो कहा था ना कि हमारा हक है, हम बच्चा गिरा सकते हैं, हम ये फैसला ले सकते हैं, इसे कहिए कि ये चली जाए। प्लीज आप रूम से बाहर जाइए, ये पेशेंट का निजी मामला है। देखिए मैम, हम खुद डॉक्टर बनने वाले हैं और हम इनके निजी मामले में कोई दखल नहीं दे रहे, ना ही इनके फैसले में। बस हमारी बहन किसी दबाव या स्ट्रेस में आके ये फैसला तो नहीं उठा रही, ये देखना चाहते हैं। आप बस हमें 2 मिनट दीजिए प्लीज। डॉक्टर कहिए ना इसे कि ये चली जाए। प्लीज आप बाहर जाइए, जब पेशेंट आपसे बात नहीं करना चाहता तो आप क्यों पीछे पड़ी हैं? ठीक है तो स्वीटी तुम हमें नहीं बताओगी ना? शिवांश को हम सब बताने जा रहे। फिर दीदी, दीदी रुको, दीदी सुनो, शिवांश को ये तो प्लान में नहीं था, सारा खेल बिगड़ जाएगा। स्वीटी इतना बड़ा कदम उठा रही है, हमें शिवांश को पता नहीं पड़ेगा। नहीं, शिवांश को नहीं बता सकते, इतनी जल्दीबाजी हम नहीं कर सकते। पोषण की छोटी सी गलत फहमी की वजह से हमारा रिश्ता टूटा था और अब कहीं स्वीटी का ना टूट जाए और अगर नहीं बताया तो स्वीटी कुछ गलत कदम ना उठा ले। बता देते हैं। अम्मा ये लीजिए आपकी बिना शक्कर की चाय। हाँ। अरे क्या माँ, आज पहला दिन है, कहीं हम लेट ना हो जाए, ठीक है? हम चलते हैं। और अम्मा हाँ, स्वीटी को बता देना आप कि हम कॉलेज गए। वैसे वो है कहाँ, नाश्ता करने नहीं आई? टहलने गई है, ऐसे में टहलना अच्छा होता है। हाँ? अच्छा ठीक है अम्मा। अरे अरे अम्मा आशीर्वाद दीजिए, हम फिर से काम शुरू करने जा रहे हैं। यशस्वी भव, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मन लगा के काम करना। शिवांश का काम छोटा नहीं है, तुम्हारी ना सोच छोटी है। शिवांश अपनी मेहनत और स्वाभिमान से पैसे कमा रहे। जी अम्मा हम समझ गए। अम्मा फोन लेके जाते हैं। हाँ नंबर तो श्रवणी का है और तुमने लाइफ नाम से सेव किया हुआ है। दोस्ती है ना तुम्हारी, कहीं दोस्ती में इरादे खराब तो नहीं? भाई लाइफ ही तो है, अब देखो ना तुम दोनों की वजह से आज हम जिंदा खड़े हैं, कहीं हम उनका एहसान ना भूल जाए, इसीलिए उनका नाम लाइफ के नाम से सेव किया। उम्मीद है कि तुम्हें एतराज नहीं होगा। एतराज तो नहीं, क्या ना तुम्हारी ये लाइफ अब हमारी धर्म पत्नी है। और वैसे भी मैं दोस्तों के बीच में आने की आदत नहीं, कोई ना फोन तो उठा लो। हेलो हेलो थीर कर दिया, दोस्ती निभाने में भी और फोन उठाने में भी, कोई फिर से कर लो। शिवांश का फोन। दीदी हेलो शिवांश। हेलो शर्मी, आपने कॉल किया था? नहीं, वो
गलती से लग गया होगा। अच्छा अच्छा, आप वैसे आप कॉलेज पहुंच गई? हाँ बस पहुंचने वाले। अच्छा हम रखते हैं। अच्छा ठीक है, बाय बाय। दीदी थैंक यू। दीदी तुम हमारे साथ चलो, हम सब बताते हैं। ओ गलती से फोन लग गया था, गलती से फोन लग गया था। यहाँ हमारे सामने बात नहीं करनी। खैर जाने, वैसे दोस्तों के भी सीक्रेट होते है ना। देखो रोहन, हमें ना साफ साफ बात करने की आदत है, हम दोस्ती के नाम पे लोगों को लूटते नहीं। हम मानते हैं कि तुम्हारा एहसान है हमारी जिंदगी पर, लेकिन तुम हमारी ईमानदारी पे शक नहीं कर सकते। दोस्त बोला है ना, दोस्ती ही निभाएंगे। ठीक है भाई, वैसा है तो मान लेते हैं। चलते रोहन बेटा, सूप पी लो, बुखार में आराम पहुंचेगा। जी एक बात कहें, थोड़े दिन सब्र करो, श्रवणी पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। श्रवणी अपने रिश्ते बखूबी निभाती है। खिलो खिलो, पानी पियो, पहले पानी पियो। क्या बात है जो तुम इतना बड़ा कदम, क्या तुम मां नहीं बनना चाहती हो? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डर लग रहा है? देखो स्वीटी, तुम बता सकती हो हमें, कई बार अक्सर लड़कियों को ऐसा होता है। बताओ हमें स्वीटी, आखिरकार तुमने बच्चा गिराने जैसे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? बताओ हमें। हम बताते हैं। ताई जी, आप यहाँ? मम्मी को हमने बुलाया है और सब कुछ बता भी दिया है। जानना चाहती हो कि स्वीटी ये कदम क्यों उठा रही है? एक औरत के लिए अपना बच्चा गिराना ना श्रवणी, बहुत बड़ी बात होती है। और इस कगार पे हमारी स्वीटी को तुमने पहुंचाया है। शिवांश ने तुम्हारी वजह से स्वीटी से शादी तो कर ली, उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया, लेकिन कभी पति नहीं बन पाया। आज तक कभी दो प्यार के मीठे बोल भी नहीं बोले उसने। और यहां तक कि स्वीटी ने हमें बताया कि उसको कलेजे भी लगने जाती ना तो झटक देता है उसको, कभी उसे अपने करीब नहीं आने देता। कहे कि उसके दिल में तुम। हालत देख रही हो क्या हो गई है स्वीटी की? चुप हो जा स्वीटी, ऐसी हालत में नहीं रोते हैं। पर आखिर करे भी तो का ही करे, कल को शिवांश ने उठ के छोड़ दिया तो का करेगी वो? बर्बाद हो जाएगी ना उसकी जिंदगी, और साथ में बच्चा बेचारा जो पैदा भी नहीं हुआ है उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं ताई जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर हम और शिवान सिर्फ दोस्त हैं। तुमने अपने रिश्ते पर दोस्ती का नकाब तो उड़ा दिया है श्रवणी, पर सच तो यह है कि तुम और शिवान एक दूसरे के दिल में हो अभी तक। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसने वापस से तुम्हारे कॉलेज में कैंटीन मैनेजर की जॉब ले ली है।
ताकि तुम उसकी आंखों के सामने रहो। निहारता रहे वो तुम। राय जी, इतना बड़ा गलत इल्जाम मत लगाइए हम पे और शिवांश पे भी। हम कह चुके कि हम और शिवांश सिर्फ दोस्त हैं और ये बात हमने सबके सामने कही है। छोड़ो ना मम्मी, हमने पहले ही कहा था आप कभी भी दीदी से बातों में नहीं जीत पाओगी और हम इस बच्चे की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। मम्मी मम्मी, आप कैसे भी करके हमें इस बच्चे से आजादी दिलवा दो। कैसे भी करके आजादी दिलवा दो। स्वीटी, क्या बोल रही हो तुम? ये सही तरीका नहीं है। तुम अपने बच्चे को नहीं। स्वीटी, हम वादा करते हैं तुमसे हम शिवान से दूर रहेंगे, लेकिन तुम इन बच्चे को मत गिरो। चलो, तुम्हारी तो मान ली हमने, पर शिवांश का क्या? वो तो पागल है, हमारी बेटी की तो मुंह ही नहीं खुलता उसके सामने, इतना डरती है उससे। तो तुम का गारंटी देती हो कि शिवांश स्वीटी को पत्नी का दर्जा देगा? देती हो गारंटी श्रवणी? एक साधारण सी जिंदगी ही दे दे, जैसे हर पति पत्नी की होती है। बोलो, देती हो गारंटी? क्या हो गया तुम्हारी? बोलती काहे बंद हो गए? नहीं दे सकती ना वादा, नहीं दे सकती ना गारंटी? तो भी ठीक है, बच्चा फिर गिरा। हम दे रहे हैं गारंटी। शिवांश वो सब करेंगे और हम शिवांश से खुद बात करेंगे इस बारे में। सोच लो दीदी, हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते और तुम तो डॉक्टरी पढ़ रही हो ना, और तुम्हें तो अच्छे से पता है अगर 2 हफ्ते के बाद हमने अबॉर्शन कराया तो कितना खतरा हो सकता है। और अगर इन 2 हफ्तों में शिवांश हमको पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया, हमको नहीं अपनाया, तो माता रानी की कसम हम इस बच्चे को गिरा देंगे। स्वीटी, हम तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। और रही बात अबॉर्शन की, तो 2 हफ्ते बाद तुम खुद ये चीज भूल जाओगी। शिवान से हम बात करेंगे, वादा करते हम तुमसे, वादा है ये हमारा। पड़ेगा शिवांश हमारा हो ही गया है ना। थैंक यू सो मच। एक प्लेट समोसा और चाय मिलेगा क्या? बहुत भूख लगी है। मैडम, कैंटीन बंद हो चुकी है और हमने भी यूनिफॉर्म चेंज कर लिया, अब कोई समोसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो आप हैं? दोस्ती के खाते में भी नहीं मिलेगा। ओह, तो अब आप दोस्ती का फायदा उठाएंगे। लगता तो यही है।
वैसे और भी तरीके हमारे पास समोसे निकलवाने के। देखिए अब आपका कोई पैतरा चलने वाला नहीं है, अब आप हमारी मिसेस थोड़ी है जो हम आपकी एक आवाज पर दौड़े चले जाएंगे। ठीक है फिर सोच लीजिए, अब आपका ही बच्चा भूखा रहेगा, बाकी मर्जी आपकी। भाई ये तो नाइंसाफी है। चलिए ये भी ठीक है, बैठिए लाते हैं आपका स्पेशल समोसा तीखी हरी चटनी के साथ। अरे सुनिए मीठी चटनी भी साथ में ले आइएगा। और हाँ दो समोसों से काम नहीं चलेगा, चार समोसे चाहिए हमें। और कोई फरमाइश है? नहीं आज के लिए इतना ही। आप बैठिए हम लाते हैं। क्या करें, शिवांश को स्वीटी के अबॉर्शन वाली बात बताएं कि नहीं? ये रानी फंस गई। आपने यहाँ हमें अपनी चाले दिखाने के लिए बुलाया? खेल खत्म ही समझो, काहे के दोनों तरफ से हम ही जीतेंगे। शायद आपको मालूम नहीं इस खेल में जीत सिर्फ एक ही तरफ की होती है। शायद तुम भी ठीक से देख नहीं रहे हो, दोनों तरफ से खेल तो हम ही रहे, जीत तो हमारी लिखी थी। आप सिर्फ इतना बताइए कि हमें यहाँ क्यों बुलाया? सिर्फ ये बताने के लिए, आज शाम को तुम्हारी प्यारी बीवी तुम्हें सरप्राइज देने वाली है। आपसे कितनी बार कहा है या आप हमारे और शर्मनी के मामले में दखल ना दे तो ही अच्छा हुआ। तो हमारी पत्नी हम संभाल लेंगे। हम देखते आ रहे आज तक तुमने कितना संभाला है अपने और श्रवणी के रिश्ते को। अगर हमारी बेटी मां बनने का नाटक ना करती ना तो धरा का धरा रह जाता सब कुछ। खैर छोड़ो, आज शाम का सरप्राइज जो है हमारा तोहफा समझ कर रख लो। ऐसा क्या मिलने वाला? अरे थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। रानी हमारे कब्जे में है, अब राजा को वैसे ही चलना होगा जैसा हम चाहते हैं। सुधा आज हम बहुत खुश है, शिबू का कॉलेज कैंटीन का पहला दिन है। हाँ माँ जी हम भी बहुत खुश हैं, बस माता रानी ऐसे ही बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखे। फिर आज से एक नई शुरुआत करते हैं। कोशिश करेंगे नई शुरुआत करने की। बिल्कुल। अम्मा जी शिवांश अभी तक आया नहीं। स्वीटी। लो। शिवांश तुम आ गए, यही पूछ रहे थे। स्वीटी ये तुम्हारे लिए चॉकलेट केक। चॉकलेट केक, वाह हमारे लिए। थैंक यू शिवांश, थैंक यू सो मच। हम बहुत खुश हैं। थैंक यू शिवांश, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश। तुम हमारे पसंद का केक लाए हो। आप उस दिन हमने तुम्हारा वैलेंटाइन डे खराब कर दिया था तो बस उसी के लिए केक ले आए हम।
रोहन, ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? लो ना। सबनी, थैंक यू, पर इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारी तबीयत खराब थी ना? कैसी है तबीयत? फीवर? देखो बात है, बहुत टेंशन हो रही थी हमें, अब बेटर लग रहा है। माँ ने मेडिसिन दी और माँ को सूप देने भी कहा था, सूप मिला? हाँ ली थी, पहले से बेहतर है। तो चंद्रा जी इसी की बात कर रही थी। अच्छा स्वीटी, तुम तैयार हो जाओ, हम खाना खाने बाहर चलेंगे। श्रवणी ने आखिर में अपना जादू चला ही दिया। खाना खाने, हम दोनों एक साथ? मम्मी सुना आपने, शिवांश और हम दोनों डिनर पे जाएंगे। चलो हम दोनों तैयार हो जाते। स्वीटी, हमारे पास एक आइडिया और है। हमारा मतलब है कि हम बाहर क्यों जाएं? हम पार्टी घर में करते हैं सबके साथ। जैसी पार्टी तुमको पसंद है, नाच गाना मस्ती। हाँ? और देखो ना, रोहन का बुखार भी उतर गया है ना। रोहन तुम ठीक हो ना? बिल्कुल। क्यों अम्मा, हम सही कह रहे हैं ना, हम सब साथ में पार्टी करते हैं। हाँ हाँ शिवू, तुम लोग पार्टी मनाओ, हम ना बड़े मंदिर जा रहे हैं सुंदरकांड सुनने। बड़की ठकुरान, तुम भी चलो हमारे साथ, तुम यहाँ बच्चों में क्या करोगी? अरे अम्मा जी, असली कांड तो यहाँ घट रहा है और इसके रचयिता भी हम हैं। मंदिर चले गए तो यहाँ का खेल कौन संभालेगा? क्या हुआ बड़की ठकुरान, चलोगी ना हमारे साथ? वो अम्मा जी, हम सोच रहे थे यहाँ पार्टी है तो ये लोग तो पार्टी में मजे करेंगे, और दोनों बहुएं पेट से हैं तो खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा ना। किसी बड़े को समझदार को घर में रहना चाहिए। हाँ ये भी जरूरी है। हाँ मम्मी आप मत जाओ, क्या पता हमें जरूरत पड़ जाए, है ना? अम्मा जी वो आप वसुधा जी को लेके चले जाइए। हाँ क्यों नहीं। हाँ अम्मा हम चलेंगे। दीदी चलो, तुम और रोहन भी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम घर पे पार्टी करेंगे आज। चले रोहन। हाँ। लीजिए मैडम जी, ये रहे आपके गर्मा गर्म समोसे, तीखी और मीठी चटनी के साथ, और चाय। थैंक यू। खाइए। अच्छा है ना? बहुत। अब आप अपनी असली बात पर आइए। जो आप हमसे कहना चाहती हैं। शिवांश, आपको कैसे पता कि हम आपको है ना बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बताइए जो आप कहने आई हैं। शिवांश वो स्वीटी, स्वीटी माँ बनने वाली है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। स्वीटी ने कुछ कहा आपसे? हम पर भरोसा रखिए, हम अपने सारे फर्ज बहुत अच्छे से निभाएंगे। उसे आपके फर्ज की नहीं, प्यार की जरूरत है। शिवांश, वो भी हर प्रेग्नेंट लड़की की तरह सिर्फ इतना ही चाहती है कि उसका पति उसे पलकों पर बिठा कर रखे। नहीं, ये सब हमको नहीं सोचता है। अरे तो फिर ये दोस्त किस लिए?
हम बताएंगे आपको कि क्या करना है। देखिए ना, स्वीटी ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई पर आपने उसे कोई तोहफा भी नहीं दिया। आज तक कभी प्यार से उसका सर नहीं सहलाया। उसका इतना मन होता है घूमने फिरने का आपके साथ, और आप शिवांश। हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। क्यों क्यों नहीं हो पाएगा शिवांश? जब आप हमसे गुस्सा थे, जब आप टूट रहे थे, बिखर रहे थे, तब उसी ने संभाला आपको, उसी ने सहारा दिया, उसी के साथ आपने शादी की, याद है ना? काश हमने आपको तकलीफ देने के लिए स्वीटी के साथ शादी ना की होती तो आज। शिवांश देखिए, अब जो हो गया सो हो गया, अब यही आपकी सच्चाई है, स्वीकार कर लीजिए इसे स्वीटी, और उसके बच्चे के बारे में सोचिए। और आप कर पाएंगे ये सब? हम शिवांश, हम दोनों बहुत खुश हैं, बहुत मस्ती करते हैं साथ में खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, यहाँ तक कि पढ़ाई भी साथ में करते हैं। और आप जानते हैं क्या, हम दोनों का तो सपना भी है साथ में हॉस्पिटल खोलने का। ठीक है, कोशिश करेंगे आपकी तरह समझदार होने की। अनजाने में सही स्वीटी हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है ना, है ना? और दोस्त की बात कैसे टाल सकते हैं? लेकिन हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त शिवांश? हम जानना चाहते हैं कि अभी अभी आपने जो ये सब कहा है इसमें कितनी सच्चाई है। अब हम समझे नहीं शिवांश, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब हमने कभी आप दोनों को आम पति पत्नी की तरह हंसते बोलते देखा नहीं। शिवांश आप भी कैसी बातें करते हैं? कोई बात नहीं, अब आप आगे से ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा। आज शाम को तुम्हारी प्यारी बीवी तुम्हें सरप्राइज देने वाली है। आज इस मेहरबानी की वजह जान सकते हैं? देखो रोहन, हम तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो। रोहन, बात यह है रोहन की शिवांश ने उस बच्चे के लिए शादी में रहने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन स्वीटी के साथ उनका दिल नहीं जुड़ पा रहा है। शिवांश को लगता है कि हम भी
सही तो लगता है, गलत क्या इसमें? और इसीलिए उन्होंने आज ही पार्टी भी रखी है। ये जानने के लिए कि हम पति पत्नी के रिश्ते में कितना आगे बढ़े, राइट? तो ये सब इसलिए है कि हमें शिवांश के सामने रोमांटिक होने की एक्टिंग करनी होगी। रोहन प्लीज, हमारी दोस्ती की खातिर प्लीज रोहन। नहीं शमी, हम तुम्हारे साथ प्यार करने की एक्टिंग नहीं कर सकते। जानती हो क्यों? क्योंकि हम तुमसे सच में प्यार करते हैं। इसलिए हमें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज पार्टी की महफिल तो हम जमाएंगे। चले, पार्टी शुरू होगी। मम्मी, श्रवणी ने सच में क्या कमाल किया ना? शिवांश को देखा आपने? कितना खुश है, अभिनय कर रहा है। और ये अभिनय करते करते ना वो बहक भी सकता है, और अगर बहक गया तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा। काहे के बच्चे वाली बात सच भी हो सकती है, ना भी हुई सच तो बच्चे गिराने का नाटक करना और सारा इल्जाम श्रवणी पे डाल देना। कहा था ना, दोनों तरफ से जीत हमारी है। मम्मी मम्मी, क्या चाल चली है आपने? मानना तो पड़ेगा। पर मम्मी, हमें ये सब चाल वाल से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस शिवांश चाहिए, बस। हम तो जा रहे पार्टी करने। आप भी जल्दी आ जाना, ठीक है? जा रहे। शिवांश चाहिए। स्वीटी, तुम्हारे लिए तो हम कर ही रहे हैं, हमारा असल मकसद जो है ना, श्रवणी को बर्बाद करना है। से बहुत प्यार करते, यही सच है। लेकिन देखिए, हालातों ने हमें कहां पहुंचा दिया है। कि हमें आप ही को यकीन दिलाना है कि हम आपसे नहीं, रोहन से प्यार करते हैं। हालातों ने आपको झूठ बोलना भी सिखा दिया। हमारा मन ये मानने को तैयार नहीं कि आप रोहन को अपना पति मान चुकी हैं, और ये हम आज साबित कर देंगे। भाई वाह, आपका स्वागत है हमारी पार्टी। एक बात कहे आपसे? कहिए। बला की खूबसूरत लग रही हैं हमारी
दोस्त, साथ में दोस्त का पति भी है तो थोड़ा लिहाज। अरे भाई माफ करना, माफ करना भाई, हमने तो सुना है कि दोस्त का जो पति होता है ना वो जीजा और फूफा से ज्यादा खतरनाक होता है। एक बार अगर वो मुंह फुला ले तो भाई सारे बम हम पर ही गिरने हैं फिर। शिवांश, शिवांश, आज तो हम दुनिया के सबसे लकी गर्ल हैं। हमारा प्यार हमारे साथ जो है ना? तो क्या पार्टी में आप सिर्फ हम चार ही हैं? अरे भाई हम चारों की चॉकलेट किसी से कम है क्या? अरे वो कहते हैं ना कि हाँ चार यार मिल जाए तो क्या, चार यार मिल जाए तो वही रात हो गुलजार। हाँ चार यार मिल जाए तो वही रात हो गुलजार। इस रात को गुलजार बनाने के लिए कुछ और भी तो करना होगा। वैसे शिवांश तुम्हारी ये पार्टी ना बड़ी फीकी फीकी सी लग रही है। भाई अब आप आई है तो धमाका तो अपने आप हो ही जाएगा। चलिए पार्टी धमाकेदार बनाते हैं, ठीक है? चलिए। शिवांश, आपने हमसे वादा किया था आप शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। देखिए दोस्त, आप अपनी हद में रहिए। हमारा मतलब है आपके पति वहां है, अपना हक आप उन पर जताइए। स्वीटी तुम खेल के नियम सबको समझा दो। तो इस खेल का नियम ना बहुत ही सिंपल है। इस बॉटल को हमने बारी बारी से घुमाएंगे और इसका मुंह जिसके तरफ आके रुकेगा उसको चुनना पड़ेगा ट्रूथ या डेयर। अगर किसी ने ट्रूथ चुना तो उसे सच सच जवाब देना पड़ेगा, हम कोई भी सवाल पूछे। और अगर किसी ने झूठ बोला और हम में से किसी ने उसका झूठ पकड़ लिया तो उसे तो पक्का डेयर करना ही पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने डेयर चुना तो डेयर करना पड़ेगा, मतलब हिम्मत वाला कोई बवाली का। सोच लो वो कुछ भी हो सकता है तो तैयार रहना। लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें एक छोटा सा पेच हम डालेंगे। मम्मी ये सब क्या है? देख लो भाई, खिलाड़ी कौन सा सच बोलेगा और कौन सा डेयर करेगा ये वो तय नहीं करेगा, वो तय करेगी ये चिट्ठियां जो इस कटोरी में है। चलो शिवांश बोतल घुमाओ और खेल शुरू कर। लीजिए शुरुआत तो आपसे ही हो गई, तो बताइए क्या चुनेंगे आप, सच या साहस? सच। हम जानते थे आप सच ही सुनेंगे। वैसे ऐसा कोई सच है नहीं आपका जो हम सबको पता ना हो। भाई आप तो खुली किताब की तरह है। खैर कोई नहीं, अब आपने सच चुन ही लिया है तो हम भी देखते हैं ये ऐसा कौन सा सच बाकी रह गया जो अब तक सबसे छुपा है। चलिए वो कौन सा लम्हा था जब तुम्हें पहली बार प्यार हुआ? अरे बताओ बताओ क्या लिखा है पर्ची में?
श्रवणी ला हम पड़े। अच्छा तो लिखा है कि वो कौन सा लम्हा था जब तुम्हें पहली बार प्यार हुआ। अरे श्रवणी सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दे दो। हाँ हाँ बताइए, जल्दी फैसला लीजिए, इतना वक्त नहीं दे सकते आप। हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते जवाब? सोच लीजिए, गेम के नियम के खिलाफ है। अगर आपने अपने चुने हुए सवाल का सच नहीं बताया तो आपको सजा भुगतनी पड़ सकती है। मंजूर है तो फिर ठीक है, लो सजा की कटोरी। इसमें से जो चिट्ठी निकालोगी उसमें जो भी कुछ लिखा होगा वो तुम्हारी सजा होगी। छीन ले और हम ही को पढ़ना पड़ेगा। अपने पति के साथ डांस करो। अरे वाह, ये कोई सजा थोड़ी ना है। चलो चलो नाचो। चलो रोहन, आप हमें आजमा रहे हैं शिवांश। ये चिट्ठियां भी आप ही ने ताई जी से कह के रखवाई है ना, ताकि हमें आप पर शक ना हो। अब आजमाने का वक्त है, हम भी देखते हैं कि आप कितना आगे बढ़ चुकी हैं।
बात है श्रवणी, तुम दोनों ने तो रंग जमा दिया। रंग तो अभी और जमेगा जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा। चुनने वाले हो? हम तो चाहते हैं तुम सच्ची चुनो। नहीं स्वीटी, हम डेयर चुनेंगे क्योंकि हमें किसी का डर तो है नहीं, इसलिए जो करेंगे टंके की चोट पे करेंगे। क्या बात है, तुम लोग फिर चुनो। बताओ क्या लिखा है? बीवी से कहो कि गालों पे किस करे। क्या बेहोशगी है? क्यों, अरे मियां बीवी है, इसमें गलत क्या है? हमारा मतलब है ऐसे सबके सामने। सब कौन है यहाँ पे, हम तो सब घर के है ना। अच्छा मम्मी आप ही बताइए, कोई प्रॉब्लम है इसमें? खेल ही तो है, इसमें शर्माना कैसा? और नियम तो नियम है, जो कहा है जो लिखा है करना पड़ेगा। आप कहती है कि आप रोहन के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ रही है, तो ठीक है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अब आप कह रही हैं खेल है तो मानना पड़ेगा। शुभाष आपके साथ तक जाएंगे सच जानने के लिए? नहीं, अगर श्रवणी कंफर्टेबल नहीं है तो एक काम करते हैं, हम सच वाली चिट बैठा लेते हैं। वैसे भी हमसे सवाल पूछ रहे ना, तो पूछ लेना। अरे नहीं नहीं, कैसी बात हुई, अब खेल है खेल तो खेलना ही पड़ेगा, और नहीं खेलोगे तो मजा खत्म हो जाएगा ना। पूरा करो जाओ। रोहन हम ये डेयर पूरा करेंगे। जाओ तुम भी जाओ, देखो तुम्हारी बीबी तैयार है।
ये क्या कर रही हो? मोहन देखो, दास तो करना ही पड़ेगा। अब जब दिखावा कर रहे हैं तो अच्छे से करते हैं। शमी, हमारे पास एक आइडिया रोहन। सॉरी रोहन, मजबूरी हमारी, करना पड़ेगा। लो, ये ताश तो हो गया, अब आगे का खेल खेले। अब आई ना सीटी की बारी, स्वीटी क्या चुनोगे? हम तो ट्रूथ ही चुनेंगे, लाओ हमें भी दो। मम्मी, पता है क्या है? इसमें लिखा है कि अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताओ। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच तो तुम हो शिवांश। हम तुम्हें बहुत बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते। हम तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकते, एक दिन भी नहीं। I love you. Shivansh, फिर से बोतल घुमाओ, अब देखते हैं किसकी बारी। हाय, अब तो हमारे शिवांश की बारी है। चलो शिवांश, बोलो तुम क्या चुनोगे, सच या साहस? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बताइए शिवांश, क्या डेर? हम तो डेर ही चुनेंगे। सच क्या है ये कौन जानता, किसको पता? लेकिन डेर में जो करते हैं वो सबको दिखाई देता है साफ साफ। भाई वाह, बात तो बिल्कुल सही की। तो फिर उठाओ पर्ची, हम भी तो देखें कितना साफ मन से आप साहस करते हैं। शिवांश, क्या लिखा है? जल्दी बताओ, पढ़ के बताओ क्या लिखा है पर्ची में। इसमें लिखा है, अपनी बीवी को किस करके अपने प्यार का इजहार करो। चलो शिवान, जल्दी जल्दी आ जाओ। शर्मा रहे हो? हम आग बंद कर लेते, चलेगा ना? चलो। अब यही आपकी सच्चाई, स्वीकार कर लीजिए इसे स्वीटी, और उसके बच्चे के बारे में सोचिए। आप कर पाएंगे ये सब? हम दोनों बहुत खुश हैं, बहुत मस्ती करते साथ। Thank you.
शिवान मम्मी मम्मी देखा आपने देखा ना फिर से शिवान ऐसा किया हमारे साथ हमने हमने कहा था ना आज कभी हमारा नहीं हो सकता कभी हमारा नहीं हो सकता हमने सोच लिया है हमें नहीं चाहिए ये बच्चा हमें ये बच्चा गिराना है हमारी बात सुन हमें नहीं सुननी तुम्हारी बात चल जाओ यहाँ से चले जाओ पहले कहा था तुम्हें कि तुम्हारा हमसे प्यार नहीं करता कभी करेगा भी नहीं वो सिर्फ इस बच्चे के लिए अपने मन को मार कर हमारे साथ रह रहा पर हमको नहीं चाहिए हमको नहीं चाहिए उसके प्यार की भीख और ये बच्चा भी नहीं चाहिए हमें हम इसको गिरा देंगे नहीं स्वीटी नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और वैसे भी तुम दोनों तो अभी भी प्यार करते हो तो कर लो फिर से शादी कर लो ना हम हट जाएंगे तुम दोनों के रास्ते से हट जाएंगे स्वीटी हमारी बात समझने की कोशिश करो कि कोई तरीका नहीं है तुम एक बात समझो शिवान जी पार्टी ये हंसी मजाक ये सब किसके लिए कर रहे बताओ तुम्हारे लिए कर रहे हैं तुम्हें खुश करने के लिए थोड़ा समय दो स्वीटी देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और एक बात जो लोग प्यार करते हैं ना वो इतनी आसानी से हार नहीं मानते और रही बात शिवांश की तो तुमने हमें दो हफ्ते का वक्त दिया है ना तो हम पे भरोसा रखो हम बात करेंगे शिवांश से हम समझाएंगे उसे सब कुछ ठीक हो जाएगा स्वीटी ठीक है तुम कह रही हो इसलिए हम मान रहे हैं वरना इस बच्चे को सच में गिरा देते थैंक यू दीदी अब देखते हैं शिवांश को हमारा होने से कौन रोकता है इस तरह स्वीटी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था शिवांश हमारी बात हुई थी तय किया था हमने तो क्या करें नहीं हो रहा हमसे हाँ नहीं हो रहा हमसे कि आप हमारे सामने खड़ी है और हम किसी और से प्यार करें नहीं ये मुमकिन नहीं हमारे लिए नहीं ये मुमकिन हमारे लिए हम आपकी तरह समझदार नहीं है ना अपने दिल पर पत्थर रख ले दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा शिवांश नहीं हो राम से आप बताइए क्या करें हम कहां जाके जान दे आप मर जाए आप क्यों परेशान हो रही है आपके लिए तो आसान है रोहन को किस आपके हाथ में लिपस्टिक ओह अब समझे हम आप झूठ बोलने के साथ साथ आंख में धूल झोंकना भी सीख गए और हमारी आंख में धूल झोंकने के लिए हमारी ही जैकेट का इस्तेमाल किया आपने
जरा हम भी तो देखें कि आप आंख में धूल कैसे झोंकती। कुछ इस तरह आपने ड्रामा किया रोहन को किस करने का सबके सामने, हमें ये दिखाने के लिए कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। शिवांश, लेकिन आप भूल रही हैं, आप भूल रही हैं कि प्यार छिपाए नहीं छिपता। बस कीजिए शिवांश, बहुत हुआ, हमारे लिए प्यार से बड़ी निष्ठा है, वो वादा है जो जो हमने रोहन से किया है, वो खुशियां है जो परिवार के लिए जरूरी है। तो आप भी तो रोहन को अपना पति नहीं मान पाई, बताइए मान पाई उसको आप अपना पति? नहीं मान पाई, मानते हैं नहीं मान पाए, लेकिन कोशिश कर रहे हम शिवांश, कोशिश कर रहे हम। और आप मत भूलिए कि हम दोनों ने मिलकर तय किया था स्वीटी और उसके बच्चे के लिए हम दोनों अपने रिश्ते आगे निभाएंगे। हमने नहीं तय किया था, आपने तय किया था, आपने कहा था जो काम आप नहीं कर पाई वो हम कैसे कर लेंगे। क्यों आप हमको जीते जी मारना चाहती हैं? हमारे सिवा आपको सबकी परवाह है, क्यों बोलिए क्यों? क्योंकि स्वीटी अपने बच्चे का अबॉर्शन करा देगी, समझे आप? अबॉर्शन क्या? आपसे स्वीटी ने ऐसा कहा? नहीं कहा हमसे कि आप उसे प्यार ही नहीं दे सकते शुभांश, तो वो बच्चे को जन्म क्यों दे, किसके लिए दे? सब हमारी गलती है, सब हमारा किया था, हमने ना आओ देखा ना ताओ, बस कर ली हमने स्वीटी से शादी, सब हमारे गुस्से की वजह से हुआ और उसकी वजह से आज सब लोग बहुत रहे। अगर हमने समझा होता ना तो आज ये सब नहीं होता। शिवांश, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, इस गलती को सुधारने का ना सिर्फ एक ही तरीका है कि आने वाले कल को संभाला जाए, और फिर हमारी दोस्ती का पहला वादा भी तो यही था ना, याद है आपको? जाइए शिवांश, बच्चे के लिए ही सही स्वीटी को वो प्यार दीजिए, भरोसा दीजिए जिसकी वो हकदार है। स्वीटी से अबॉर्शन वाली बात नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, आप स्वीटी से कोई लड़ाई नहीं करेंगे शिवांश, आपको आपको हमारी कसम। हमारा मतलब है हमारी दोस्ती की कसम। शिवाज,
अपने बच्चे के लिए ही सही स्वीटी को वो प्यार दीजिए जिसकी वो हकदार है। स्वीटी हमको माफ कर दो। शिवांश, I love you. हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। सच में हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। और जब तुम हमें छोड़ के जाते हो ना, हमको बहुत डर लगता है। प्रॉमिस करो कि कभी अकेले छोड़ के नहीं जाओगे, हाँ? बोलो, बोलो नहीं जाओगे ना हमें छोड़ के? अब बारी हमारे वादे की है। जो शिवान से कहा वो करना है, अपना रिश्ता निभाना है। हमें हिम्मत दीजिए माँ। तुम्हारी सब मनोकामना पूरी होगी। माता रानी की तुम पर खास कृपा है। खेलो। ठीक है माँ। पता नहीं अभी अभी आया स्पीड पोस्ट से तुम्हारे लिए। लिखा है माँ, हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में मेडिकल स्कूल में अप्लाई किया था। हमारे प्रोफेसर ने खुद सिफारिश की थी माँ। माँ ये बहुत बड़ा कॉलेज है यूएस में, हमारा सिलेक्शन हो गया है वहाँ पे। इसमें लिखा है कि बस हमें एक बार और परीक्षा देनी होगी ऑनलाइन, और उसके बाद 4 साल के लिए हम वहाँ पढ़ सकेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है माता रानी। सच? हाँ। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्त, बधाई हो। मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है ना माँ? अब चलिए, अब गुड़ खिला के सबका मुंह मीठा करवाइए। आपको याद है हमें गुड़ बहुत पसंद है? बताइए भला, हमें कैसे नहीं पता होगा। हाँ, हम गुड़ लेके आते हैं। सिलेक्शन हो गया, कांग्रेचुलेशंस। वैसे हमारे लिए कोई लेटर नहीं है, लगता है हमारा नहीं हुआ। लेकिन हम दोनों ने तो साथ में अप्लाई किया था, तो तुम्हारा कैसे नहीं हुआ और हमारा हो गया? अरे आपका कैसे नहीं होता भाई, आप तो जिला टॉप पढ़ाई करती हैं। माँ आपने देखा था ना कैसे दिन रात आंखें फोड़कर पढ़ाई की है। हाँ, बहुत मेहनत की है इसने। अब आपके सपनों को ना पंख मिल गए। माँ अब आप देखना, हमारी श्रावणी है ना एक बड़ी डॉक्टर बनकर वापस लौटेंगी। हमारा मतलब कि हमारी दोस्त। माँ आप जाइए ना, गुड़ लेकर आइए, इतनी खुशी की बात है हम सब के लिए। हाँ, हम अभी गुड़ लेके आए। सॉरी शर्मी,
तुम्हारे ये पंख हमें काटने होंगे, क्योंकि तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये लो रोहन। कितनी अच्छी ड्रेस है, हम पे तो बहुत अच्छी लगेगी। 9,000 का पहन के सारे सहेलियों को दिखाएंगे। ऑर्डर करते हैं। ठीक लाइन क्यों दिखा रहे हैं? फिर से करते हैं। अरे फिर से पेमेंट डिक्लाइन हो गई, क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं है, क्या करें अब? हाँ मम्मी का क्रेडिट कार्ड मांगते हैं, फिर ऑर्डर करेंगे। मम्मी मम्मी जल्दी अपना क्रेडिट कार्ड दो। काहे? अरे शॉपिंग करनी है, जल्दी दो ना, वो डील खत्म हो जाएगी। ये सब चूचले बाजी, काहे तुम ये सब चक्कर में पड़ी हो, हटो यहाँ से। अरे मम्मी समझा करो, हमको सेलिब्रेट करना है। कि श्रवणी विदेश जा रही है, मतलब हमारा रास्ता साफ। आपको पता है कल रात क्या हुआ? क्या हुआ? कल रात ना शिवाश ने हमें यहाँ माथे पे चुमा है। हाँ हम तो बहुत खुश है। लो आपने क्रेडिट कार्ड दो। आप तभी हम कहें तुम काहे पगलाई हुई है, तभी तुम्हारा माथा फिरा हुआ है, हैं? शॉपिंग करनी है, नए नए कपड़े पहनने से जिंदगी नहीं निकलती है। और जिसके लिए कर रही हो ना, उसको बोलो जाके कि 2 कौड़ी की भी कमाई नहीं है उसकी। किसके दम पे ये महंगे महंगे शॉप पाल रही हो? मम्मी बेकार की बातें मत करो, चलो लाओ क्रेडिट कार्ड लाओ। हमारे पास कोई पैसे नहीं है, खत्म हो गए, जाओ। पैसे खत्म हो गए? पैसे कैसे खत्म हो गए? अभी तो रोहन ने 7 लाख रुपए आपको लौटाए। अच्छा तुम्हारी इतनी औकात बढ़ गई कि तुम हमसे पूछोगी कि हमको किसी ने पैसे लौटाए, हमने उस पैसे का क्या किया, उस पैसे को हम आग लगा दें, उड़ा दें, वो हमारे पैसे हैं, जाके अपने पति से बोलो जाके पैसे कमाए। निठल्ले के जैसे घर बैठा रहता है, श्रवणी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, नए नए तरीके ढूंढता रहता है ताकि श्रवणी उससे प्यार कर सके, और तुम यहाँ पर सिर्फ कपड़े पहन पहन कर उसके सामने मॉडलिंग करना और सोचना कि ये हमसे प्यार करेगा। कोई प्यार व्यार नहीं करने वाला, समझी तुम? कैंटीन में मैनेजर है, वो भी 2 कौड़ी का, लोगों को खाना देता है, समझी? तुम्हारे जो सारी दोस्त है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है, और तुम जाओ बाइक पे, तुम जाओ यहाँ पर ठेले पे खाना खाने। बताओ अपने पति को जाके ये सारी बातें, और बोलो थोड़ा घर से बाहर निकले, 2 पैसे कमाए, फिर तुम जाके ये सब शॉपिंग करना, ताकि मुंह उठा के आओ नहीं, मम्मी पैसे दे दो, मम्मी क्रेडिट कार्ड दे दो, मम्मी डेबिट कार्ड दे दो। शर्म नहीं आती है तुमको? कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले तुमको हम। जा रहे हम, नहीं चाहिए आपके पैसे, शिवान से ही ले लेंगे हम। ₹100 भी नहीं देने वाला तुम्हारा सिवान, समझी? और हमारे कफन के भी पैसे मांगने आना तुम। प्रोफेसर त्रिपाठी, उनको थैंक यू भी तो कहना है, इतनी मदद की उन्होंने हमारी यहां तक पहुंचने में। फोन करते हैं। रोहन ये क्या कर रहे हो? बहुत खुश हूँ, रॉबर्ट में सिलेक्शन हो गया, अकेली जा रही हूँ। अकेली जा रही हो? लेकिन हम दोनों ने तो साथ में अप्लाई किया था ना रोहन, ये सोच के कि हम दोनों साथ में जाएंगे। I'm sorry, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ,
लेकिन तुम भी तो नहीं चाहोगे ना कि हम इतना बड़ा मौका छोड़ दे। शर्मी, हम क्या चाहते हैं क्या नहीं, इसके बारे में कभी तुमने सोचा है? पता और एक गांव में इतने बड़े बेवकूफ हैं सच में। तो देखो अब स्वार्थी भी हो रहे। शर्मी, हमने शिवांश को अपनी किडनी दी ये सोचकर कि तुम उसकी चिंता छोड़ोगी और अपने जीवन में आगे बढ़ोगी। इसी शर्त पे हमने तुमसे शादी की कि तुम अपने सपने पूरे करोगी। रोहन, सपने ही तो पूरे करने जा रहे, आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में, तुम यही तो चाहते हो ना? हमें तो लगा था कि तुम बहुत खुश हो गए ये खबर सुनकर, तो अचानक क्या हो गया, ये दिक्कत क्यों हो रही है? सपनी, चाहते हम भी यही थे कि तुम इस घर से इस परिवार से दूर चली जाओ ताकि पढ़ सको, अपने करियर में आगे बढ़ सको, अपने सपने पूरे कर सको। लेकिन तब तुम ही ने हमें रोका था। क्यों, आज तुम्हें माँ की चिंता नहीं? याद, जब शादी के बाद हमने तुमसे कहा था कि चलो इस घर से चलते हैं, तब तुम ही ने हमें रोका था ये कहकर कि माँ अकेली रह जाएंगी। फिर जब ये घर नीलाम होने लगा तो हमने इस घर को खरीदा था ये सोचकर कि चलो कम से कम तुम अपनी माँ के साथ रह सकोगी। सभी तुम्हारी खुशी के लिए हम इतने समय से शिवांश के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, और तुम पहला मौका मिलते ही हमें छोड़ के चली जाओगी? क्यों, अब तुम्हें मां को छोड़कर जाने में कोई एतराज नहीं, या फिर हमें छोड़कर जाने में? रोहन, तब अम्मा जी और शिवांश मां से बात नहीं करते थे, लेकिन आज माँ परिवार के साथ है और शिवांश, उनको उनकी गलतियों का एहसास हो चुका है। हाँ शिवांश, हम तो भूल ही गए थे, तुम्हारी और शिवांश की दोस्ती हो गई, तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो गई, इसी खुशी की वजह से तो वो बाहर सबको गुड़ खिला रहा है ना? सब कुछ ठीक हो गया है रोहन, और तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी और शिवांश की दोस्ती हो चुकी है, अब तुम्हें हमारी जरूरत क्यों होगी, है ना? तो इस बात से हमें खुश होना चाहिए। शवनी, हमने अपनी पूरी दुनिया पलट दी थी तुम्हारे लिए, अपनी किडनी दी, घर खरीदा, ना जाने क्या क्या, अब तुम पहला मौका मिलते ही इस रिश्ते से दूर चली जाना चाहती हो। शवनी, जहां तक बात रही सपनों की, तो सपने तो तुम यहां रहकर हमारे साथ पढ़कर भी पूरे कर सकती हो ना, इंडिया में। सही कहा तुमने, सपने तो यहां पे पूरे किए जा सकते, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम रोहन। हम नहीं जाएंगे। क्योंकि हम अपने रिश्तों से मुंह फेरने वालों में से नहीं। तो बेफिक्र हो जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये लीजिए आपके लिए। ये क्या है? अरे ये क्या है? आप ये क्या खा रही हैं? पराठा और आलू की भुजिया? अरे आप ये पीजिए, ये हमने आज ही बनाया इंटरनेट से देख के, वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ आलमंड स्मूदी। अरे पीजिए ना, इसको पी के ना आपका दिमाग है ना दौड़ेगा। अरे देखना आप, बाकी स्टूडेंट को तो आप यू ही पछाड़ देंगे एग्जाम में। अरे आप अव्वल आएंगे एकदम, पीजिए पीजिए ना, आप सोचती बहुत है। अरे श्रावणी, तुम यहां हो?
गुड आफ्टरनून मैम. आप क्यों आई, हम आ जाते. कोई बात नहीं. श्रवणी, तुम जो एंट्रेंस एग्जाम दे रही हो उसकी तैयारियां इसमें देख के करना. लो. बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम रोहन, हम नहीं जाएंगे. दो दिन बाद एग्जाम्स है ना जी. इस कॉलेज को और हमको तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं. इस कॉलेज का नाम जरूर रोशन करना. मैडम जी आप चिंता मत कीजिए, हमारी श्रवणी है ना एग्जाम में कमाल करेगी. कमाल तो तुमने भी किया है. तुम्हारी गैर मौजूदगी में कैंटीन का खाना खाने लायक नहीं था. जब से तुमने रिजॉइन किया है हम यहीं से खाना खा रहे हैं और सारा स्टाफ भी यहीं से खाना खाने लगा है. और तुम जो कॉफी बनाते हो ना, ओ हो लाजवाब. थैंक यू मैडम जी. श्रवणी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं, वो बस टेस्ट को लेके थोड़ा डर रहे हैं. इसमें डरना क्या, आप तो कर ही लेंगे. अरे ये सब छोड़िए, आप बताइए आपको क्या हुआ है? हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो ठीक है. झूठ. अरे कुछ नहीं, देखिए ना हम कितने खुश हैं आपके लिए. जानते हैं आप हमारे लिए खुश हैं, लेकिन कोई और बात भी जरूर है. अच्छा आप स्मूदी पीजिए, हम आते हैं. शिवांश बैठिए यहाँ पे. अब तो हमें सबूत भी मिल गया है. सबूत? हाँ सबूत. कैसा सबूत? आपने स्मूदी में नमक डाल दिया है चीनी की जगह. क्या, हमने नमक डाल दिया? मीठा तो है. अरे बल्कि हमने इसमें चीनी तो डाली नहीं, हमने तो इसमें शहद डाला था. अब जब पता था तो चेक क्यों किया? और हाँ, हमने गुस्से में स्वीटी को कमरे से बाहर आते देखा है. शिवांश आपको हमारी दोस्ती की कसम है, जो भी बात है हमें बताइए साफ साफ. शिवांश हमको तुमसे कुछ चाहिए. देखो हम पहले से ही बता रहे, मना मत करना. अरे बोलो ना क्या चाहिए. हमको हमको कुछ पैसे दो, शॉपिंग करनी है. बस इतनी सी बात, ये लो. ये लो भाई तुम्हारी शॉपिंग के पैसे. खुश जाओ शॉपिंग करके आओ. 1000 रुपए? इससे क्या होगा? अरे 9000 की ड्रेस है. तुम 9000 के कपड़े पहन के कहाँ जाओगी? सब पहनते. सब पहनते होंगे लेकिन एक कैंटीन मैनेजर की बीवी नहीं. तो क्या करे, अपना मन मार दे. हाँ तो नहीं करनी थी ना शादी एक 20000 कमाने वाले मामूली आदमी से. तुम पहले तो बड़ा बोलती थी हर हाल में खुश रहूंगी, जैसे रखोगे वैसे रहूंगी. अब क्या होगी बोलो. रहने दो, रखो अपना 1000 रुपए. हमें को शौक था तुमसे अपनी बेइज्जती कराने का, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे. छुट्टी सुनो छुट्टी. अच्छा ठीक है भाई, सैलरी आंदो दिलवा देंगे. अब खुश? तुम्हारी सैलरी वो तो अगले महीने आएंगी, पर हमारे हमारे दोस्त का बर्थडे इसी हफ्ते है, तब तक क्या करें? पैसे ही तो नहीं लिए, कोई बात नहीं फिर से कोशिश कीजिए शिवांश. जहां तक हम स्वीटी को जानते हैं वो आपसे बहुत प्यार करती है. आप ना प्यार से उसे कोई भी चीज देंगे ना तो वो शौक से पहनेगी. आप कोशिश तो कीजिए.
हमें ये सब समझ में नहीं आता। लो तो फिर ये दोस्त किस लिए? हम लेकर आए और आप उसे दीजिएगा, बहुत खुश होगी वो। ठीक है, आप बैठिए, स्मूदी पीजिए, बाकी काम देख के आते हैं। अरे अब चेहरा ठीक कीजिए दोस्त। दोस्त पीजिए। और हाँ, हमारे लिए एक स्मूदी और लेकर आइए। जरूर लाते हैं। आप यहां क्यों खड़ी हैं? किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ, आपका इंतजार कर रहे थे। हमारा इंतजार? ये देना था, लीजिए। ये क्या है? लीजिए तो सही। वो हम गोलघर गए थे तो वहां पे हमें एक साड़ी दिखी, स्वीटी के लिए बहुत अच्छी लग रही थी तो हमने ले ली। वही लेकर आए, आप ये स्वीटी को दे दीजिएगा, लेकिन कहिएगा कि आप लाए अपनी तरफ से। देखिएगा वो बहुत खुश हो जाएगी, बहुत अच्छी लगेगी उसे। लेकिन श्रावणी। लेकिन कुछ नहीं, जाइए जल्दी से उसे दीजिए, वो बहुत खुश हो जाएगी। जाइए। स्वीटी, स्वीटी, स्वीटी कहाँ हो तुम? स्वीटी। हाँ शिवांश, बोलो, बुला रहे हो, क्या हुआ? हाँ स्वीटी, हम तुम्हारे लिए तोहफा लाए। तोहफा? हमारे लिए? दिखाओ क्या है इसमें। हाँ ये। कैसी लगी? देख के बताते। स्वीटी क्या हुआ, पसंद नहीं आया? ये लत्ते लाए हो तुम हमारी बिटिया के लिए? स्वीटी ने ना कभी भी 5-10 हजार के नीचे कपड़े नहीं पहने, तुम ये लेकर आए हो? ये का सलमा सितारे लगे हुए हैं, पहन ले तो पूरा हाथ पैर उधड़ जाए उसका। बताओ जरा दामाद जी को, तुम्हारी जो बचपन की सहेली है ना, वो इस शहर के मंत्री की बेटी है, और उसके घर पे जो पार्टी साटी होती है ना, इस शहर की सबसे शानदार पार्टी होती है, ये पहनकर जाएगी वहां पर। एक काम करो शिवांश बाबू, जहां से लाए हो ना वहां पर वापस लौटा दो। कहे कि जितना इस घर में हमारी बेटी के आंसू बर्बाद हुए ना, उतना तुम्हारे पैसे बर्बाद ना हो। कितने पैसे? जितने भी, कुछ तो बच जाए। और अगर कुछ करना ही चाहते हो ना तो थोड़ा काम करो, बड़ा काम। ये कैंटीन के मैनेजर वाली नौकरी नहीं, कोई बड़ी नौकरी, ताकि हमारी बेटी
अच्छी गाड़ियों में जा सके, अच्छे कपड़े पहन सके, नहीं तो ऐसा ना हो कि दूसरी बीवी भी छोड़ के चली जाए तुमको। माँ बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी को लाल जोड़े में देखे, लेकिन हम तुम्हें हमेशा इस सफेद कोट में देखना चाहते थे। अब आपके सपनों को ना पंख मिल गए। हाँ, अब आप देखना, हमारी श्रावणी है ना, एक बड़ी डॉक्टर बनकर वापस लौटेंगी। इस कॉलेज को और हमको तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस कॉलेज का नाम जरूर रोशन करना। अगर कुछ करना ही चाहते हो ना, तो थोड़ा काम करो, कोई बड़ी नौकरी, ताकि हमारी बेटी अच्छी गाड़ियों में जा सके, अच्छे कपड़े पहन सके, नहीं तो ऐसा ना हो कि दूसरी बीवी भी छोड़ के चली जाए तुमको। क्या करें, शिवांश को बताएं कि नहीं कि रोहन हमारे मेडिकल एग्जाम देने से खुश नहीं है? शिवान से बात करते हैं इस बारे में। श्रावणी से बात करते हैं इस बारे में। नहीं नहीं, इस वक्त तो पढ़ रही होगी, और हम उसको ये सब बताएंगे तो परेशान हो जाएगी, फिर उसका ध्यान भटक जाएगा। नहीं, इस समय अगर शिवांश को फोन किया तो स्वीटी गलत समझेगी। एक बात और समझ लो साहब, अब डॉक्टर बनना सिर्फ इसका सपना नहीं, हमारी भी इज्जत है। श्रावणी, हमने अपनी पूरी दुनिया बदल दी थी तुम्हारे लिए, अब तुम पहला मौका मिलते ही इस रिश्ते से दूर चली जाना चाहती हो। एक तरफ शिवांश जो हमारे सपने पूरे करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ रोहन, समझ ही नहीं आ रहा। मैडम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। लीजिए लीजिए। ये क्या है? जब तक आपके लिए नाश्ता बन के आ रहा है, तब तक आपके लिए आपकी स्पेशल कॉफी। थैंक यू। और मैडम जी, अब आप है ना, शर्मने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बहुत मेहनती है वो, बहुत होनहार है। आप देखना, एग्जाम में ना वो अपने शहर का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करेगी। शिवांश बैठो। जी मैडम जी। जी कहिए मैडम जी। श्रावणी ने ये एंट्रेंस एग्जाम देने से मना किया है। क्या, श्रावणी ने एग्जाम देने से मना कर दिया? हाँ, इतनी होनहार लड़की है, पता नहीं ऐसा सुनहरा मौका क्यों गवा रही है वो। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं, भूख बस, टेस्ट को लेके थोड़ा डर रहे हैं। श्रावणी ऐसा क्यों कर रही है? आप समझाइए ना मैडम जी उसको, वो आपकी बात जरूर मानेगी। समझाया था पर उसने साफ मना कर दिया, कहा किसी दूसरे स्टूडेंट को भेज दिया जाए। क्या, दूसरे स्टूडेंट को दे दिया जाए? श्रावणी ऐसे अचानक से अपना सपना क्यों छोड़ रही है?
मैडम जी आप हमको एक मौका दीजिए, हम समझाएंगे, हम बात करेंगे उनसे। शिवांश क्या फायदा, थर्सडे को एग्जाम्स हैं, मुझे आज ही किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम देना होगा। क्या किसी और का नाम भेजना होगा? नहीं नहीं, आप हमको एक मौका दीजिए, हम बात करेंगे उनसे। वो ऐसा क्यों कर रही है? वो तो उनका सपना है, उठते बैठते सोते जाते उन्होंने इसी के बारे में सोचा। अगर वो मना कर रही है तो हमें लगता है जरूर कोई मजबूरी होगी, कोई वजह होगी। हम समझाएंगे उन्हें, हम बात करेंगे। आप मैडम जी, आप हमको बस आज का दिन दे दीजिए, प्लीज मैडम जी। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। ये लीजिए आपकी स्मूदी। ये लीजिए पीजिए। अरे पीजिए ना, और फिर देखिए आपका दिमाग कैसे दौड़ेगा। हमारे एग्जाम के लिए शिवांश कितने जतन कर रहे हैं, कैसे बताएं शिवांश को? अब हम ना एग्जाम दे रहे हैं और ना कहीं जा रहे हैं। पीजिए ना। कितने जतन कर रहे हैं आप हमारी बुद्धि तेज करने के लिए, ताकि हम एग्जाम क्लियर कर लें। नमक अच्छा है ना? हाँ। तो और पीजिए। थैंक यू। अच्छा शिवांश, हम चलते हैं, क्लास के लिए देर हो रही है ना। आज नहीं पूछेंगे आप हमसे कि हम कहां उलझे हुए हैं, जो हमने स्मूदी के अंदर नमक मिला दिया, क्योंकि आज हमसे ज्यादा आप उलझे हुए हैं। अपना सपना छोड़ देंगे आप और हमको बताएंगे भी नहीं? शिवांश हमें क्लास के लिए देरी हो रही है। शमी, इतना बड़ा मौका छोड़ देंगे आप? पागल हो गई है? ऐसी कौन सी मजबूरी है बताओ हमें? शिवांश हमें जाने दीजिए। शमी, आपको हमारी दोस्ती की कसम है, हमको बताइए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके लिए आप अपना सपना छोड़ने को तैयार हो गई? वो हम रोहन को छोड़कर नहीं जा सकते। अब हटिए, हमें जाने दीजिए। शब्बी, मैं विश्वास नहीं हो रहा, छोटी सी वजह से आप अपना इतना बड़ा सपना छोड़ देंगी? शिवांश आप ये भी तो देखें ना कि हम प्रेग्नेंट हैं, हम अकेले कैसे संभालेंगे सब कुछ विदेश में, और जब बच्चा होगा तब क्या करेंगे? अरे तो हम है ना, हम आएंगे आपके पास, हम कर लेंगे पैसे का इंतजाम, हम संभाल लेंगे बच्चे को, और अगर रोहन को हमारे आने से एतराज है तो माँ को ले जाए। माँ को इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम सब कर लेंगे, आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते, वादा करते हैं आपसे हर हाल में आपका साथ देंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा आपको। आपके आगे विनती करते हैं कि आप ये परीक्षा दीजिए, इसे मत छोड़िए। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।